सत्य की खोज करते रहना यह मनुष्य का स्वभाव है। इस विषय पर शोध करने के लिए वहां सदियों से साधु संत और वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। ये तो मैंने भी सुना है कि जो भी वहां पे जाते हैं उन्हें उनका मनपसंद साथी मिल जाता है। कहते थे साहब राज और स्मिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। स्मिता, ये प्रेगनेंसी रोकने की दवा है, याद से ले लेना। कुछ भी हो मैं स्मिता से मिलकर ही रहूंगा। पर क्यों? क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है ये सिर्फ वही बता सकती है। हर हर नर्मदे महाकाल। बाबा, अपनी आत्मा दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश कराते हैं, मुझे इसकी विद्या सीखनी है बाबा। पर सत्या, तुम्हें ये भूत योनी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम हमारी मनुष्य योनी में क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हो? हाँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। क्या स्मिता हो? हाँ, मैं स्मिता हूँ। क्या मैं आपको छू सकता हूँ? नहीं। गाइस, ये रुद्रगढ़ है, रुद्रगढ़, भूतों की नगरी। शायद हम पर भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। क्या अभी भी राज से प्यार करती हैं? हाँ, मैं आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन राज मल्होत्रा से, सत्यव्रत चतुर्वेदी से नहीं। स्मिता, मैं राज हूँ, राज, सत्या नहीं। आत्मा को दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की जो कला है, क्या वो सच में सीख चुका है? ये प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानने के लिए ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। काका, झाड़ू लगाने वाली महिला है, कौन है वो? वो एक आत्मा है, आत्मा।